अब इसमें देखिए, अच्छा इसमें वो मैक्सिमम पोजीशन क्यों लिया है हाँ वो नहीं पता मुझे, वही तो हाँ यही तो चीज मैंने है। बोला मुझे यही नहीं पता कि मैं डेटा क्यों बना रही हूँ। ठीक है, जितने भी ये उल्टे सीधे आपको कैलकुलेशन दिख रही है ना, वो सारी चीजें डैशबोर्ड के लिए है। अब 91 को आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि इसका रेफरेंस है कहाँ। पहले आपको डैशबोर्ड को छानना पड़ेगा कि उसमें हर वैल्यू का कोई मतलब है। जब आप इसके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे ना, ये अपना कौन सी टूल, ये अपना कौन सा कंट्रोल है, स्क्रॉल बार, इसके फॉर्मेट कंट्रोल करके जब स्क्रॉल इसके अंदर जाएंगे ना, तो कैलकुलेशन E5, कैलकुलेशन E5 अपना 21 है, मतलब 91 कहाँ क्या ले रहा है, और थोड़ा सा जाते हैं कहाँ कहाँ यूज हुआ है, ट्रेस डिपेंडेंट, ये तो दूसरे में ट्रेस प्रेसिडेंट, ये ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है मैं खुद भूल गया। ये कहाँ यूज हुआ है, चला जा, इसका मतलब अलग ही सेल पे यूज हुआ है, रिमूव है, कोई नहीं हम पता लगा लेंगे। पहले हम शुरू से चलते हैं, इसमें पिता रूल फॉलो कर लिए। पहले हम शुरू में से चलते हैं कि इसमें किया क्या है। पहले तो जो स्टार्टिंग हुई है इसकी, सॉर्ट एल्गोरिदम से हुई है, सॉर्ट एल्गोरिदम से। इसने जो डेटा लिया D12, डेटा में से D12 से डेटा लेना शुरू किया। D12 जो था हमारे प्रोडक्ट नेम थे, ये सारे इन्होंने 100 तक खींचे, ठीक है जी, ये 100 तक आ गए हमारे पास। अब इन्होंने लिया सॉर्ट KPI, माई सॉर्ट, जिसमें सॉर्ट KPI में इन्होंने डेटा जो लिया ऑफसेट से लिया, जीरो D12 का ही लिया, जीरो मतलब सेम रो में, और कॉलम जो है इन्होंने माई सॉर्ट क्राइटेरिया से चूज किया। माई सॉर्ट क्राइटेरिया कहाँ है हमारा, सॉर्ट बाय थर्ड कॉलम। भैया कब तक भिजवा रहे हो सिलेंडर? ये है माई सॉर्ट क्राइटेरिया, ठीक भैया 10 मिनट तो आप पिछले 10 मिनट से आधे घंटे तो 10 मिनट बोल रहे हो, है डेढ़ जी। घंटा हो गया, डेढ़ घंटा हो गया बोले हुए आपसे। तो सॉर्ट अभी क्राइटेरिया आप दूसरे काम इसने में यहां लगे से हुए हो, लिया, आपसे मतलब बात नहीं फर्स्ट कर रही, कॉलम। डेढ़ घंटा हो गया आपसे बोले हुए। अब फर्स्ट कॉलम का मतलब है कि मैं आप ना हर बार ऐसी करते हो, मैं आपसे हर बार गेम बताते हो, हर बार आपसे 2 घंटे पहले बोल रहा ये हूँ कि वाला, उसके बाद जाके मैं ये करती हूँ। जब ये सिलेक्टेड हो तो वहां पे आता है पता नहीं कौन सा आएगा वो आपका कुछ। चलो फर्स्ट, कितने मुझे 10 मिनट ये सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे आएगा सेकेंड। ये पता कैसे आ रहा है, अब हम इसके लिए इसके फॉर्मेट सेल लिंक पे जाएंगे जो कि कैलकुलेशन का E7 है, ये कैलकुलेशन का E7 है, ठीक है जी। जब पहला सिलेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली ठीक। 1 वैल्यू रिटर्न करता है, दूसरा सिलेक्ट होता है तो 2 करता है, तीसरा सिलेक्ट होता है तो 3 करेगा, चौथा सिलेक्ट होगा हाँ 4, पांचवा तो 5, तो ये वैल्यूज यहां से इसको आती हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जो वैल्यू हम सिलेक्ट कर रहे थे वो जो वैल्यू है हमारी यहां से लिंक्ड है, उसके उससे लिंक्ड है अपने रेडियो बटन से, ठीक है जी। तो माई सॉर्ट क्राइटेरिया से ये उसी कॉलम की वैल्यू उठा के ला रहा है। ऑफसेट का जो है हमने यूज बताया था ना, माई सॉर्ट क्राइटेरिया में अगर 5 है तो इसका मतलब ये उस कॉलम की वैल्यू उठा के ला रहा है,
हर एक प्रोडक्ट के सामने ओके डेटा शीट से। हाँ डेटा शीट से वो पहला जीरो है, 1 2 3 4 5, तो यहां से वो वैल्यू फाइव उठा के ला रहा है। तो पहली कैलकुलेशन हमारी सॉर्ट हुई, ठीक है जी, ये समझ गए ना। जी अब नेक्स्ट की ओर जी चलते हैं, यूनिक। अब इसने इसने क्या किया, यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी कर गया ये। E23 ये तो यानी, बिल्कुल समझ नहीं आया। अब मुझे भी नहीं आया था, बाद में समझ आया क्या था ये चक्कर। इसने कहा मैं 10-12 करोड़ से, 10 करोड़ से या कितने से भी डिवाइड कर देता हूँ C23 को। कौन से C23, जो कि इसका इंडेक्स नंबर बना हुआ है यहाँ। रिजल्ट आपको समझ में आएगा जब आप इसको ना कैलकुलेट करके देखेंगे। F9, यहाँ तो राउंड वैल्यू दिखा रहा है पर एक्चुअल वैल्यू ये है। यानी क्या किया, 10 करोड़ वगैरह से जितना भी उसने डिवाइड किया, लास्ट में जाके उतना ही 1 2 3 4 फिक्स कर दिया। अब इतने पीछे आ रहा है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू पे तो कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, पर हमारी वैल्यू जो हो गई वो डेसिमल में हो गई। वैल्यू जो हो गई हमारी डेसिमल में हो गई, यानी 349 के 349 ही लगा, पर इसके पीछे 0.00000 करके 1 लग गया कहीं या 2 लग गया जी कहीं। अब उससे क्या हुआ कि तीन सौ शिक्षा तीन सौ उनचास हमारा अगर मान लीजिए यहां पे होता, निकल इस जगह पे होता हमारा 349 सेम, तो अगर मैंने इसके आगे 0.00007 लगा दिया है तो मेरी 349 यूनिक हो गई ना वैल्यू, मतलब रही है। डुप्लीकेसी नहीं रही उनमें, है वैल्यू सेम। हाँ वो डुप्लीकेशन नहीं रहेगी, मेन हाँ पर्पज यूनिक हाँ हो गया। हाँ यूनिक हो गए, तो ये हमारा कॉलम इसीलिए था, और 10 करोड़ से जो गुणा भाग किया वो इसीलिए था। नेक्स्ट सॉर्टेड। अब सॉर्टेड में इन्होंने कहा चूज E8। E8 हमारी है सॉर्ट ऑर्डर, ये रहा। अब सॉर्ट ऑर्डर किस पे, किससे लिंक्ड है हमारे डैशबोर्ड पे, इससे। डैशबोर्ड इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 2, ऐसे 1 2, ठीक है जी, 1 2 दे रिजल्ट दे रहा है ये खाली। हम ऊपर वाले को कर दें कैलकुलेशन में, देखें 2 हो गया ना यहाँ। अब 2 हो गया तो अपन अपने पास यहाँ पे चूज का फॉर्मूला है, और चूज के अंदर 2 फॉर्मूले और हैं, एक लार्ज एक स्मॉल। लार्ज लार्ज क्या करता है, किसी डेटा में से लार्ज वैल्यू निकालता है, और उसका इंडेक्स इन्होंने देखिए सामने से दे रखा है, फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू, समझ गए। स्मॉल फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू, बेस्ड ऑन कि यहाँ पे 1 है कि 2 है। अगर 1 है तो लार्ज ले लेगा, 2 है तो स्मॉल ले लेगा। चूज का फॉर्मूला क्या करता है, इंडेक्स बेस पे सामने वाली वैल्यूज को उठाता है, ठीक है जी। तो जैसे ही इस पे 1 आया इसने लार्ज को चला दिया, अगर 2 आया तो स्मॉल को चला दिया, रिजल्ट उसके बेस पे देगा। तो अभी क्या था, 2 का मतलब है स्मॉल, ये रहा ना स्मॉल, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी आ गई, फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सॉर्टिंग हो गई हमारी, हालांकि केपीआई तो हमारा ये चल रहा है प्रोडक्ट टाइम ये, पर उससे कोई मतलब नहीं। अब यहां आगे चलते हैं पोजीशन। अब पोजीशन का जो है सॉर्ट हमने वैल्यू यहां की है, अब यही वैल्यू ये मैच करेगा। यूनिक हमने किस लिए किया था, उसकी पोजीशन निकालने के लिए। अब इसने बताया 0 जो है 30th पोजीशन पे है, ठीक है जी। ओके ये जो वैल्यू है वे 71 पोजीशन पे है। जो ये सॉर्टेड है दैट इज द पोजीशन।
ये सॉर्टेड तो वैल्यू है आपका, केपीआई जो आया ना हमारा, ये जो हम वहां से केपीआई उठा के आए, 5 केपीआई है हमारे पास। केपीआई जो आ रहे हैं हमारे रेडियो बटन के सिलेक्शन पे आ रहे हैं यहाँ पे भी, उसको यूनिक कर दिया। ये एक अलग कॉन्सेप्ट था, इसको साइड में रखते हैं, यूनिक को हाँ उठाते जी, हैं। अब हमने इन वैल्यूज को सॉर्ट किया, किसको? ठीक है, यूनिक वैल्यूज को सॉर्ट किया, ठीक है जी। क्योंकि अगर यूनिक हाँ, यूनिक यूनिक को सॉर्ट किया हमने, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट जो निकाला, जो कि हमने नहीं। सॉर्ट ऑर्डर के बेस पे, वहां पे ओके दो स्पिन बटन थे उनके बेस पे, तो यहाँ पे सॉर्ट किया। यहाँ पे हमें यूनिक का फायदा हुआ, जब हमें पोजीशन निकालनी थी। मान लीजिए 349 दो बार आ जाता तो मैच में तो 349 ही आता। अब उसे क्या, वो तो पहली जी वैल्यू निकाल के साइड हो जाता कि भैया 10वीं पोजीशन पे थी, पर जो 20वीं पोजीशन पे थी उसका क्या? तो हमने वैल्यू को यूनिक किया, उनके आगे इसका सीरियल नंबर डलवा दिया ताकि वैल्यू यूनिक रहे हमारी। और यहाँ पे जो वैल्यू सॉर्ट होके आई है उसकी एक्चुअल पोजीशन पता लग सके, जो कि ये थी, ठीक है जी। ये हमारे पास पोजीशन आई। मैच क्या करता है, मैं इंडेक्स देता है खाली, तो इसके अंदर उसने इस वैल्यू का इंडेक्स निकाल के दे दिया, ठीक है जी। देखिए यहां तक वैल्यू सही चल रही है, यहां से गड़बड़ की है उन्होंने, यहां पे वैल्यू सॉर्ट कर दी और इसके साथ में उसकी पोजीशन लिख दी कि ये वैल्यू इतनी पोजीशन पे, ये वैल्यू इतनी पोजीशन पे, ये वैल्यू इतनी पोजीशन पे। यहां तक क्लियर है? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब 30th पोजीशन पे है तो हमारा ऑफसेट यहाँ पे काम करता है। अब एक्चुअल जो है, आपको फर्स्ट जो चीज निकलने वाली है वो यहां निकलने वाली है कि एक हमारा एक डेटा कंप्लीट होगा। अब KPI 1 जो है हमारा ना, पहले इसको देखते हैं। जहां जब हमारे पास पोजीशंस आ गई तो इस पोजीशंस के बेस पे ही सारी वैल्यूज आई हैं। पोजीशन 30 है तो यहां क्या हो रहा है, मेन डेटा शीट में से हमने रेफरेंस ले लिया D11, जो कि डेटा की शुरुआत थी। D11 जो है डेटा की शुरुआत थी। ऊपर वाले इसलिए लिए क्योंकि ऑफसेट 0 से चलता है, ये ऑटोमेटिकली 1 पे आना चाहिए था, है ना। और हमें ये वैल्यू चाहिए तो 1 बाय 1 से ये ऐसे ऐसे ये डेटा सिलेक्ट होता है, ठीक है जी। हाँ, तो अब हमने क्या किया, ऑफसेट में जो है रो जो डाली है अपनी, ये डाली है यहां पे, तो डेटा की कॉपी है खाली। तो 30th पोजीशन से हमने सबसे पहले कॉलम नंबर 0 में से क्या निकाला, प्रोडक्ट नेम, ठीक है जी। ये 30th पोजीशन पे प्रोडक्ट 30 है ना। और उसके बाद हमने निकाला यहां पे KPI इसी पोजीशन से। फर्स्ट KPI में क्या वैल्यू है, सेकंड में क्या वैल्यू, थर्ड में क्या वैल्यू, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, एज इट इज ये पूरी, हाँ पूरी लिस्ट बन गई आपकी। तो अब हमारा ये क्या हो रहा था इसमें, एक तो हमारे दो काम हो गए, एक हमारा सॉर्ट ऑर्डर हो गया जिसमें हम असेंडिंग डिसेंडिंग में वैल्यूज कर रहे थे, दूसरा कौन सा KPI सॉर्ट होना है, वही KPI खाली सॉर्ट होके आ रहा है। जैसे फिफ्थ का करा था ना, तो फिफ्थ के बेस पे ये सॉर्ट होके ये पूरा डेटा आपको दिखा रहा है। तो ये सॉर्टिंग का क्राइटेरिया समझ में आ गया पूरा? कुछ कुछ कुछ। तो ये सॉर्टिंग का क्राइटेरिया था हमारा सॉर्टेड लिस्ट निकालने के लिए। अब ये सॉर्टेड लिस्ट इम्पैक्ट कहाँ करती है, यहां तक तो ले आए हम, सही गाड़ी खींच लाए। अब ये इसका बनाने का मकसद क्या था, यहां पे जो आ रही है हमारे, हम स्टार्टिंग में चलते हैं शुरुआत से। ये जो डेटा हमारे पास यहां पे दिख रहा है सारा आपको, हाँ तो
फर्स्ट पे ही कर देंगे, चल नहीं रहा पता नहीं क्या। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है प्रोडक्ट हमारा 30 है, जो कि ऑफसेट कैलकुलेशन E5, इससे ये रो ले रहा है। कैलकुलेशन J20, कैलकुलेशन E5, कॉलम 0, यानी वही कॉलम। मैं उसी में जाके दिखाता हूं कि ये है क्या। J22 E5, ये रहा हमारा J22 ऊपर, क्योंकि 0 से काउंट करता है ऑफसेट हमेशा, तो यहीं से 1 2 3 में ये यही लिस्ट दिखाएगा उधर। और E5 जो हो गया हमारा, ये हो गया क्या हो गया, एक्चुअल पोजीशन जो, ठीक है जी। एक्चुअल पोजीशन इज फॉर व्हाट, जो यहाँ पर एक दिया उन्होंने स्पेसिफिक। ये हमारा जो है इससे लिंक्ड है, ये हमारी जो बार है मेरे ख्याल से इसी से लिंक्ड है। अगर मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई ना, तो एक्चुअल पोजीशन से लिंक्ड है। तो अब यहाँ से लिंक्ड है, और यहाँ से कौन सी वैल्यू उठानी है वो ये यहाँ से चूज कर रहा है ऑफसेट का फॉर्मूला। एक्चुअल पोजीशन जो है हमारी स्क्रॉल बार से लिंक्ड है, और हमने 11 सिलेक्ट किया यहाँ, तो यहाँ पे 11 आना चाहिए। ऑफसेट में से 11वीं वैल्यू उठा ली इसने, मतलब हमारे कैलकुलेशन में से 11वीं वैल्यू उठा ली नीचे से। हाँ, तो जब हमने इसको क्लिक किया, एक्चुअल पोजीशन चेंज हुई, ऑफसेट के फॉर्मूला ने बदल के रिजल्ट दे दिया। क्योंकि ये सेल है, ये एक्चुअल में ड्रैग नहीं हो रहा, हमारा फॉर्मूला ही है। तो यहाँ, फॉर्मूला ही चेंज हाँ, तो उसी के उसी से ही आगे इसने और वैल्यू उठाई है, ठीक है जी। सेम इतना उसी, दिमाग किसने लगाया है। कोई नहीं, लगा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक दो, मैं कह रहा हूं आप इसको ना 3 बार बनाओ, और डैशबोर्ड का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब करते करते मुझे कुछ कुछ तो आगे कुछ आपने समझा दिया, अब एक दो बार फिर खुद करूंगी तो मुझे पता चलेगी है क्या। अब यहां तक तो मैंने आपको डेटा तक लाना तो समझा दिया, अब ये चार्ट भी तो स्क्रॉल हो रहा है। ये देख, स्टार्टिंग यहां तक मेरा बन चुका है पूरा। जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, हाँ मतलब देख के बन गया, पर जब मैं इसको हाँ, वो क्लिक आपने बोला ना कॉपी करना आना चाहिए। कर, बिल्कुल करेक्ट है, मैंने काफी कॉन्सेप्ट तभी बता दिए थे। एक वो छुपा हुआ कॉन्सेप्ट था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए, कि जब मैं इसको सिलेक्ट करूं तब ये हाईलाइट होना चाहिए, ये पोर्शन। दो कॉन्सेप्ट इस, हाईलाइटिंग नहीं हो रहा है मेरा। हाँ दो कॉन्सेप्ट इसमें अभी बचे हुए हैं, एक ये वाला कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट कैसे होगा, दूसरा चार्ट का, कि चार्ट के लिए डेटा कैसे बना था। चार्ट में देखिए इसमें स्पेसिफिकेशन है, एक जो आपके ग्रे कॉलम्स है वो मोर देन एवरेज है, और जो रेड कॉलम्स है वो बिलो एवरेज है, और ये जो लाइन आ रही है ये एवरेज है। तो यानी एक ही डेटा को इन्होंने 50 बार, 5 6 बार तोड़ा है यहाँ पे। KPI 1 के लिए क्या कैलकुलेशन लगाई इन्होंने, कि वहां उस डेटा से, देखिए डैशबोर्ड पे इसने उसी डेटा का रेफरेंस ले रखा है। मिक्सी चल गई। तो ये जो है ना, ब्लैक रेड एवरेज मिनिमम मैक्सिमम, इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तभी समझ आएगा कि ये क्या है। डैशबोर्ड का E8, डेटा का E9, देन डैशबोर्ड का E8। अच्छा, नहीं।
फर्स्ट हमारा लॉजिकल टेस्ट था कि क्या डैशबोर्ड का E8 हमारे डेटा के E9 से बड़ा है। डैशबोर्ड का E8 डेटा के E9 से, डेटा में हमारा E9 कौन सा टारगेट्स है, KPI 1 की बात कर रहे हैं ना, तो इन सब के टारगेट्स ये रहे। तो E8 यहाँ देखते हैं, E8 क्या चीज है। यहाँ मुझे थोड़ी सी फंसने वाली बात हुई थी क्योंकि मेरे को वाकई में समझ नहीं आ रहा था क्या है। तो मैनुअल गया E8 पे, समझ आया कुछ क्या हो रहा है? यहाँ पर उन्होंने उनका टारगेट से वो किए कंपैरिजन की कितना है, टारगेट इन दस, 500 है तो अभी उनका 232 पर है, वो तो हाँ पहली चीज तो, बिलो एवरेज है या अबव हाँ एवरेज? हाँ तो पहली चीज उन्होंने टारगेट से इस डेटा को मैच करवाया। वहां पे 10 सेल देख रही होंगी आप, है ना, तो वो 10 सेल को मैच कराने की वो थी। ये जो डैशबोर्ड से होल डेटा लेके आए हर एक सेल में, हर एक डैशबोर्ड पे जितनी वैल्यू है उनकी कंपैरिजन हो रही है। यहाँ इन्होंने अगर कहा है कि ट्रू है तो यहाँ पे वैल्यू दे दो, बड़ी है टारगेट से, बड़ी है तो वैल्यू दे दो। मेरे ख्याल से वो टारगेट लाइन है, वो एवरेज लाइन नहीं होगी, टारगेट लाइन है जो टारगेट अचीव करने के बाद। ठीक है जी, तो इनको ब्लैक के सेक्शन में नहीं रखना है अगर वो E8 की वैल्यू, डैशबोर्ड की वैल्यू टारगेट से बड़ी है। ठीक है जी, अब टारगेट तो सारी छोटी है यानी रेड के अंदर आती हैं, तो चार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है हमारा। रेड तब दिखाता है वहां पे जब वो टारगेट से हमारी वैल्यू टारगेट से कम है। नीचे रहती है, नीचे रहती है। एवरेज लाइन कहाँ से चूज करी इसमें, इसमें K23 से K122 तक का एवरेज निकाला है। ठीक है जी, K23 कौन सी है, अब इसी शीट की है K23 जो सॉर्टेड लिस्ट आई है इसमें, उसमें इसका एवरेज निकाला है। तो एवरेज लाइन के लिए मिनिमम वैल्यू इसी की ही निकाली है, K23 के कॉलम की, इसी की फर्स्ट की कर रहे हैं अभी। ये KPI 1 है ना, ये मैक्सिमम मैक्स का फॉर्मूला निकाल के उसी के लिए। तो ये हमारा चार्ट का कुछ डेटा बन गया। मिनिमम मैक्सिमम इन्होंने ज्यादा यूज नहीं कर रखा है कहीं, ये मिनिमम मैक्सिमम इन्होंने दूसरी चीज के लिए यूज कर रखा है, ये चार्ट के लिए यूज नहीं किया। इसी तरह से इन्होंने KPI 2 के लिए किया F9, मतलब उसका KPI 2 का अगर बड़ा है तो यहाँ ब्लैक में कितने फिट हो रहे हैं वो वहां पे वैल्यू आ गई, जहां नहीं फिट हो रहे थे वहां एवरेज से कम थे, जो टारगेट से ज्यादा थे वो यहाँ आ गए, और जिनका टारगेट पूरा नहीं हुआ था वो यहाँ आ गए। ब्लैक रेड में सीधा सीधा इन्होंने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर इन्होंने KPI 2 का एवरेज निकाला और उसमें भी मिनिमम मैक्सिमम, इसी तरह KPI 3, KPI 4 और KPI 5 के लिए किया। हाँ तो यहाँ हमारा ये चीज कैलकुलेशन खत्म होती है, बाकी ये स्कैटर चार्ट के लिए बाकी कैलकुलेशन। तो ये हमारी चार्टिंग के लिए आई, उसमें एक चीज एडिशनल है जिसके कारण उन्होंने वो लगाया था। अब मैं ये क्या करूंगा, यहाँ जाके ना राइट क्लिक करके इसका डेटा देख लूंगा, डेटा सीरीज क्या चूज है इसके अंदर, ना फॉर्मेट, फॉर्मेट डेटा सीरीज, या
हमारा डेटा था, डेटा चार्ट, क्रिएट चार्ट वाला नहीं होता ऑप्शन वो, देखो जा छक्की मार रहा है। ये रहा, ब्लैक कहाँ से आया? यहां से इसका नाम आया, यहां से इसकी कैलकुलेशन आई पहले चार्ट के लिए, ठीक है जी। दूसरा था रेड हमारा, एवरेज, मिनिमम मैक्सिमम, जहां भी डेटा देखेंगे वो वहीं आ जाएगा इसका सारा, मिनिमम बार मैक्सिमम बार। अब यहाँ इसके लेजेंड्स देख लेते हैं क्या क्या कर रहे थे, क्योंकि तो यहाँ इन्होंने चार्ट के स्टाइल में तो कुछ भी नहीं दे रखा है। एक चार्ट को मैं अलग कर लेता हूँ, और इसको दूसरे उसमें बदल देता हूँ। क्या बात है, एक्सेल चल ही नहीं रहा मेरा, सेट कर देता हूँ। कैसा देखें कहा तो ये चार्ट वगैरह जो है ना, ये उसी से बना हुआ है। इसकी ना एक मैक्सिमम पोजीशन चाहिए थी, यहाँ पे आपको खाली ब्लैक, एवरेज, X22 में देख लें हम किस लिए है कैलकुलेशन, X22 और एक्स मतलब एक्स वाली सीरीज है, एक्स 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 ये रही, तो ये एवरेज के लिए था, ठीक है जी। बाकी इन्होंने क्या किया, ये जो हमारा फुल कॉलम आ रहा है, आना कितने तक है, यहाँ पे देख रही है कुछ खाली वैल्यू छोड़ रखी है इसने, पूरी तरह से फिल नहीं है ये, तो इसके लिए बाकी दो वैल्यूज यूज हुई हैं जो कि इनविजिबल हो रखी है इस टाइम, मैक्स एक्स वाई, और अगली जो होगी मिनिमम एक्स वाई होगी, ये मिनिमम एक्स वाई, ये कितना फैलाव लेगा उसके लिए इन्होंने रेंज दे दी है, इनविजिबल चार्ट्स के लिए के वजह से, ठीक है जी। ताकि अगर हमारा मान लीजिए वो होती तो चार्ट एरिया यहीं तक होता, वो इसी को ही फुल मान ले, इसको फुल ना माने इसके लिए वो कर रखा है कि मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, तो ये दो वैल्यू पांच वैल्यू इसी तरह से यूज हुई है इसके अंदर, ठीक है जी। बाकी एक बार आप अपने में डिटेल से देखेंगे ना इनको, डेटा को जाके तो समझ आ जाएगा। दूसरा अब नेक्स्ट चीज आ गई इसकी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखने के लिए पहले हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल को देखना है। तो हमारा जो फॉर्मेट हो रहा है वो ये हो रहा है या ये हो रहा है, दोनों में से कोई भी हो, एक एक होके। अब इन्होंने क्या किया, अगर E6 इक्वल टू है माई सॉर्ट क्राइटीरिया, देन इसको इस तरह से फॉर्मेट कर दे। अब E6 और माई सॉर्ट क्राइटीरिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ के E6 में आपको आना पड़ेगा, ये यहाँ E कॉलम आया, E6 में आप दिखाई दे रहे हैं वन वैल्यू,
और अगले के लिए दे रखा है उन्होंने केपीआई 2 के लिए, यहाँ पे H6 में 2, यानी कि जो आपका रेडियो बटन सिलेक्शन है वहां पे अगर 2 होता है और यहाँ की वैल्यू तो 2 है ही, जब ये इक्वल कर जाए तब फॉर्मेट कर दे। अब इसमें एक सवाल उठता है, ये 2 जो है मेरे को बाहर क्यों नहीं दिख रहा, कलर चेंज होगा, वाइट कर दिया होगा, वाइट भी तो दिखना चाहिए है ना। तो इसके लिए Ctrl+1 प्रेस करेंगे और आप कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और 3 सेमी कॉलन जो मैंने लॉकिंग के टाइम पे बताए थे इनको अनातुल जी को, कि वैल्यू को अगर ना दिखाना हो ऊपर कोई भी कलर हो तो ये है, तो ये यहां से डिकोडेड है। ये पूरा आपको समझ में आ गया। अभी एक चीज और है इसमें, ये निशान कहां से आ रहा है, ये हमारा कॉलम ही डिफरेंट है, ये क्या चीज है। इसके लिए मैं फॉर्मूला खोल लेता हूं बड़ा लंबा है इसका। है? हाँ, परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है, स्टैटिकल फंक्शन होता है, मुझे खुद नहीं पता परसेंटाइल होता क्या है, पर ये था कि मैंने वो कोई क्राइटेरिया होता होगा, मैनेजमेंट ने बता दिया मुझे परसेंटाइल लगा दो इस तरीके से लगा दो, तो ये प्लस और माइनस करके दिखा रहा है यहाँ पे वैल्यू, ये रेड में ही दिखा रहा है, एक ही कलर है इसका मेरे ख्याल से, और भी होंगे ऐसा ही, ये नहीं कि खाली रेड, मुझे जहां तक याद आ रहा है 2 कलर में मैंने सेट किया था। तो इफ माई सॉर्ट क्राइटेरिया इक्वल टू दिस देन ये ब्लैंक दिखाएगा, मतलब जहां सिलेक्शन हो वहां नहीं दिखाएगा प्लस माइनस वगैरह, जहां ये सिलेक्शन होगा वहां ये बिल्कुल नहीं दिखाएगा, ऐसा क्यों? पता नहीं कंडीशन यही दी हुई है इन्होंने। अब देखिए माई सॉर्ट क्राइटेरिया में क्या था कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में था, अच्छा असेंडिंग डिसेंडिंग में, ओके असेंडिंग सॉर्ट क्राइटेरिया में क्या था एक बार फिर कंफर्म कर लें। सॉर्ट क्राइटेरिया में तो KP1 जो चेंज होते हैं। ये तो सॉर्ट बाय था, हाँ सॉर्ट बाय 2 कॉलम 3 कॉलम, अच्छा केपीआई था हमारा, तो हाँ इसका मतलब यही हुआ कि माई सॉर्ट क्राइटेरिया अगर इक्वल टू ये है, मतलब अगर ये सिलेक्टेड है तो यहाँ पे कोई वो प्लस माइनस की वैल्यू नहीं दिखाएगा, ठीक है जी। अगर माय सॉर्ट क्राइटेरिया 4 होता तो हाँ वो N6 के बराबर होता। हाँ अगर वो बराबर है तो वहां पर कुछ हाँ नहीं। अब जैसे यहाँ पे चूज कर लिया तो 1 है ना, अब यहाँ यहाँ ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है इस सेल में, ये रहा E6 वाला ना पहला पहला, तो अब उसके बाद इन्होंने एक परसेंटेज लगा दी कि अगर E8 बड़ा है कैलकुलेशन और ये डेटा E5 क्या है परसेंटाइल, इनका इन्होंने परसेंटाइल निकाला, और परसेंटाइल क्या होता है, स्टैटिक्स पढ़ी है किसी ने, आपने पढ़ी है? सेकेंड ईयर में पढ़ी थी कभी। मैं तो चाहता हूँ कोई मुझे ऐसा मिले स्टैटिक्स बता दे मुझे, मेरा काम आसान हो जाएगा, क्लियर पर कोई नहीं, क्योंकि मैं तो आईटी का आदमी हूँ और मुझे ये पता है कि फॉर्मूला कर क्या रहा है, पर ये परसेंटाइल निकाल रहा है, परसेंटाइल क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम, तो ये क्या नहीं। कॉन्सेप्ट है, कोई मैनेजमेंट का ही कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं मालूम इसका। तो वो इन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर E8 बड़ा है हमारी परसेंटाइल कैलकुलेशन से तो प्लस में दिखाए, अदरवाइज माइनस में दिखाए, बस 2 कंडीशन लगाई ये मैंने, जो एरो का ये है साइन और है। हर एक के लिए ये था हमारे पास, जो ये है ना नीचे चल जा, हमारा एक्सेल ये एरो का साइन कैसे आया ये तो बताओ। यही तो नहीं मिल रहा मुझे। कहां से लाऊं? मैं यहां से कॉपी कर रही हूँ उसको। बस बढ़िया सीख गई मतलब, और क्या कॉपी करके आएगा और क्या पर कॉपी करने के लिए डेटा तो होना चाहिए ना। कभी नहीं हुआ तो मैं कहां से लाऊंगी।
अच्छा, ये सही सवाल पूछा आपने। हाँ, अगर आपके पास नहीं हुआ तो आप, यहाँ पे सिंबल है हमारे पास इंसर्ट में, कहाँ से खुल जा रहा है, विदाउट इनविटेशन आ जा रहा है इंसर्ट। कल मैंने साइन ढूंढने के लिए आधा घंटा खराब किया। मैंने पूरी क्लासेस भी छान मारी और मुझे कहीं कुछ मिला नहीं। मुझे पहले मेरे को, तो आपने बताया था। मैं दोबारा से अपनी पुरानी एक्सेल खोल लूँ, ये नई इस पे झिल नहीं रही है। हाँ, इंसर्ट में गया अपने पास, यहाँ पे सिंबल है, ठीक है जी। यहाँ दुनिया भर के फॉन्ट्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। मुझे खुद भी नहीं पता वो कौन से फॉन्ट का हिस्सा था, पर आपको इन्हीं में ढूंढना पड़ेगा। कोई स्पेशल सिंबल चाहिए हाँ, तो बस ये मिल गया ना, मैं यहाँ से ढूंढ लूंगी अब। अभी यहाँ से स्पेशल करेक्टर में देखें, यहाँ कुछ है नहीं है। इसमें जो ढूंढने वाले होते हैं वो होते हैं विंगडिंग, विंगडिंग यहाँ पे आपको मिल सकते हैं काफी सारे सिंबल ही सिंबल। सिंबल से मतलब है वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, हालांकि वो स्पीकर सा साइन, उनको क्या रिक्वायरमेंट फिल कर रहा है मुझे नहीं पता, पर यहीं मिलेगा क्योंकि अगर हमें दिखा रहा है तो यहीं कहीं होते हैं सिंबल। विंगडिंग 3, नहीं तो कॉपी पेस्ट है ही, बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ इस। ये समहाउ यहाँ पर सेम ही है कुछ बिल्डिंग्स में ना। हाँ वैसा ही होता है, तो विंडिंग में आपके काफी सारे मिल जाते हैं, बाकी नहीं तो फॉर्मेट देख लेता हूँ इसका कौन से में। ये एरियल में ही बता रहा है ये तो। इसमें एक और चीज, जैसे अभी आपने ये KPI 1 सेलेक्ट किया तो हाँ जी, यहाँ पर ऊपर एक एरो दे रहा है ये तो आपका सॉर्ट ऊपर ऑर्डर से नीचे हाँ, करने के। ये सॉर्ट ऑर्डर से आ रहा है नहीं, ये। वो हाँ तो आ गया, पर उसके लिए जो उन्होंने फॉर्मेट दिया वो, ये कुछ समझ नहीं आई कहाँ पे विंग लिया। विंगडिंग थ्री, ई एंड सी इन्होंने जो लिया। ये विंगडिंग थ्री में आप ये टाइप करेंगी ना, अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, वो वहां से नहीं लाए, उनका मतलब भी नहीं था उसको लगाने का। अब जी इसको मैं अगर विंगडिंग थ्री में कर लूं ना, इसके देखिए इस पे क्लिक करते ही इसका फॉन्ट आ रहा है ना विंगडिंग थ्री, तो अगर मैं इसको विंगडिंग थ्री में डालूं तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है जी। तो फिर ये मुझे पता कैसे चलेगा कि इसके लिए ये साइन होता एक्चुअली आपको ये साइन पता करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाइए सिंबल में और जो सिंबल चाहिए वो है? चूज वहां कर से लीजिए। डायरेक्ट सिलेक्ट कर लूँ। हाँ डायरेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे अब वो सॉर्ट ओके। क्राइटेरिया के लिए हमारे पास आ रहे थे, हम ये वाले भी तो यूज कर सकते हैं दोनों, है ना। हाँ, अब इसमें मैं इसको इंसर्ट कर दिया मैंने, अब और तेरी दोबारा करना पड़ेगा, मान लीजिए। हाँ इंसर्ट कर दिया ये भी और दूसरा वाला भी चूज कर लूं, विंग डिंग थ्री, यहाँ से मुझे कौन सा अच्छा लग रहा था, या ये दोनों लगा देता हूँ, एक ये इंसर्ट कर देता हूँ और एक ये इंसर्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करूँ, इन दोनों को कॉपी करूँगा
और नई सेल में पेस्ट कर दूंगा। ये मेरे पास सिंबल आ गए भाई, हाँ इसको पेस्ट कर दीजिए वहां पे, वहां काम करने लग जाएगा। ओके हाँ, ठीक अब इस फॉर्मूले की जगह अगर मैं ये पेस्ट कर दूं, ई ई की जगह नीचे वाला ही है ये पेस्ट कर दूं, कहाँ गया ये, इस तरह से आया साइन। तो है, कुछ अलग आया। हाँ बस यही मकसद ही है, अलग सा है कुछ मतलब आ जाए कुल मिला के, ज्यादा करे तो वैल्यू कोई घुमा कुछ ले, तो नहीं ज्यादा करे तो ये अलाइनमेंट इसकी थोड़ी सी कर दें, नहीं मान रहा तो आपके पास तरीके हैं, और भी हथकंडे हैं हमारे पास, रो पिट के बने ठीक गए वो है ये आपके लॉजिक तो के, होगा तो ये लॉजिक के ऊपर है आपके, आपकी मतलब ही। जो स्पार्क लाइन वाला फीचर था मैंने दिखाया आपको कल। और चलो अगली क्लास में मैं आपको MIS के थोड़े से टिप्स दूंगा, मैं सोच रहा था कि इस क्लास में बता दूं पर वो समय आया है नहीं हमारे पास। ठीक है जी, तो नेक्स्ट दो क्लासें और लूंगा शायद मैं, उसके बाद मेरा फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, या हो जाएगा या छुट्टी लूंगा थोड़े दिन। हाँ जी। इसमें मैक्रोस भी करवाए।